वेलकम ऑन रिजर्व वॉइस एकेडमी। राजनीतिक विज्ञान के आज के लेक्चर में हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों में अरस्तु को जानेंगे, ठीक है, जिसे हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले एक वीडियो प्लेटो के ऊपर भी डाला जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो बात करते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे अरस्तु का परिचय, अरस्तु के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं, उनकी पुस्तकें, उनका जीवन काल जो भी है। फिर राज्य के संबंध में अरस्तु के क्या विचार हैं, दास प्रथा के संबंध में उनके क्या विचार हैं, नागरिकता के संबंध में उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, क्रांति का उनका क्या विचार है, और जो उनका शासन प्रणाली पर उन्होंने अपने विचार दिए, ठीक है, उन सबको हम एक एक कर जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अरस्तु के परिचय से। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व थ्रेज स्थित स्टाग्रस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अरस्तु जन्म से प्लेटो की तरह एथेंस के निवासी नहीं थे, वो बाद में वहां आकर बसे थे, ठीक है। और आप ये तो जानते ही हैं कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, कि ये जो राजनीतिक विज्ञान की एक तरीके से शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं अरस्तु से ही हुई है, उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स जो है उससे हुई है, ठीक है। तो अरस्तु ने जीव विज्ञान और भौतिक से लेकर नैतिकता, सौंदर्य बोध से राजनीति तक सभी विषयों पर लिखा है, ठीक है। अरस्तु के जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मुख्य रूप से उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 158 संविधानों के अध्ययन के आधार पर सरकारों की प्रणाली का विश्लेषण किया था। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स है, जो हालांकि आपकी जो एथिक्स की जो शुरुआत मानी जाती है वो इनकी इसी पुस्तक से मानी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा इस निकोमेकियन एथिक्स में उनकी कहीं कहीं उसमें राजनीतिक संबंधी विचार भी मिलते हैं, ठीक है। अरस्तु ने एथेंस में एक लाइसियम नामक स्कूल भी खोला था। तो इन्होंने अपने गुरु यानी प्लेटो के ज्यादातर जो सिद्धांत और विचार हैं उनका खंडन किया था, ठीक है। और खंडन किया था, उनके विपरीत अपने विचार दिए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उनमें सुधार किया था, उन्हें व्यावहारिक बनाया था, क्योंकि प्लेटो एक आदर्शवादी थे, उनके विचारों में बहुत ही आदर्श बातें थी जो मतलब प्राप्त होना एक तरीके से मुश्किल है, जिन्हें कहा तो जा सकता है कि एक अच्छी स्टेज है, लेकिन उन्हें आमतौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता या जो व्यावहारिक नहीं है। तो अरस्तु ने उनके सिद्धांत और विचारों का खंडन किया और ऐसे विचार दिए जो व्यावहारिक है, ठीक है। अरस्तु के प्रशंसकों ने उनके लिए सभी जानकारों का गुरु, मास्टर ऑफ देम दैट नो की उपाधि का दावा किया, यानी कि वो गुरु भी ऐसे लोगों के माने जा सकते हैं जो पहले से ही गुरु है, आम आदमी के नहीं, यानी कि उनका जो नॉलेज का भंडार है, उनका ज्ञान का भंडार है वो बहुत ही असामान्य स्तर का है, ठीक है। इसलिए उनके प्रशंसकों ने उन्हें सभी जानकारों का गुरु कहा। अरस्तु की अध्ययन पद्धति की बात करें तो उनकी अध्ययन पद्धति स्वोद्देश्यात्मक पद्धति या टेलियोलॉजिकल पद्धति उसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनकी, जैसे प्लेटो की अध्ययन पद्धति को हम निगमनात्मक मानते हैं, इनकी अरस्तु की अध्ययन पद्धति अगमनात्मक थी, जिसे हम इंडक्टिव कहते हैं, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, आपका जो अध्ययन की रूपरेखा है वो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, ठीक है। इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे अगमनात्मक और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, पर अभी आप इतना जान लीजिए, आपको फैक्चुअल में आप अगर यूपीएससी के साथ साथ आप JRF या NET JRF जैसा एग्जाम देना चाहते हैं तो इतना उसके लिए फैक्चुअल काफी है कि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो अगमनात्मक भी है, ठीक है। जो अरस्तु की ये पद्धति है स्वोद्देश्यात्मक पद्धति टेलियोलॉजिकल, उसमें क्या है, उसमें किसी वस्तु को हम उसके उद्देश्य से जानते हैं। जैसे बल्ब है, बल्ब का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य प्रकाश करना है, तो हम ये जानते हैं कि बल्ब प्रकाश करता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, तो यही है पद्धति है इनकी स्वोद्देश्यात्मक पद्धति। और इसी पद्धति के जरिए ये राज्य को
परिभाषित करने, राज्य को समझाने का प्रयास करते हैं। स्वदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से वृक्ष की कल्पना की जाती है, ठीक है। तो अरस्तु ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया, ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि आपको लगता हो कि ये राज्य व्यक्तियों ने आपस में मिलकर बनाया, ठीक है, कि भाई हम इस तरीके से हमारी प्रणाली होगी और इस तरीके से हम एक दूसरे पर कानून की बंजिश लगाएंगे ताकि एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था फैली रहे। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि ये राज्य है ये व्यक्ति से ही पहले है, व्यक्ति से पहले की अवस्था है, ये व्यक्तियों ने मिलकर नहीं बनाया, ठीक है। तो चलिए अब राज्य के बारे में अरस्तु के विचार जानते हैं। अरस्तु राज्य को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। अरस्तु के अनुसार एक राज्य अच्छे जीवन यापन के लिए होता है, ठीक है, ना कि केवल जीवन यापन के लिए। यानी कि राज्य केवल जीने के लिए नहीं है बल्कि अच्छी तरीके से जीने के लिए है। आप जी तो कहीं भी सकते हैं, ठीक है, बिना राज्य के भी, लेकिन अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए, अधिकार चाहिए, आपको काम और भी जो सुख सुविधाएं, तो वो सब आपको राज्य में मिलती है, ठीक है। अरस्तु का राज्य संरक्षित या निर्मित नहीं है, ये बनाया नहीं गया, ठीक है, बल्कि यह स्वयं विकसित हुआ है। ये बनाया हुआ राज्य नहीं है बल्कि यह स्वयं विकसित हुआ है। यह धीरे धीरे ग्राम से विकसित होता है और ग्राम जो होता है यानी कि गांव जो होता है आपका, वो परिवार से विकसित होता है। यानी परिवार से ग्राम का विकास हुआ और ग्राम से राज्य का, ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है, ठीक है। अभिनय कर ये जो शब्द है इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। राज्य स्वाभाविक कैसे है, तो अरस्तु कहता है कि राज्य स्वाभाविक रूप में ही परिवार और व्यक्ति से पहले विद्यमान था। इस बात के प्रमाण के लिए वे कहता है कि व्यक्ति जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह आत्मनिर्भर नहीं रहता, ठीक है। अगर व्यक्ति को हम बिना राज्य के छोड़ दे तो वह आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, और इसलिए वो उसका भाग है, राज्य का एक भाग है। राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एक भाग है, उसका एक अंग है, ठीक है। किंतु वह जो समाज में नहीं रह पाता या जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कोई समाज में नहीं रह पाता या कोई कहता है मेरी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने पर ही निर्भर है, ठीक है, तो या तो वह पशु है या फिर वो कोई भगवान है, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर वो कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं केवल अपने पर ही निर्भर रह सकता हूँ, ठीक है, तो इसलिए राज्य स्वाभाविक है, आंगिक है। आंगिक इसलिए है कि राज्य एक मानव शरीर के समान है और राज्य के भाग अंगों की तरह व्यक्ति है। जैसे शरीर से अलग उसके अंगों का कोई जीवन नहीं, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। इस प्रकार वो आंगिक राज्य के समर्थक थे। उनके अलावा प्लेटो, हीगल व ग्रीन इत्यादि भी आदर्शवादी विचारक आंगिक राज्य के समर्थक हैं। और आंगिक राज्य के समर्थक होते हैं और जाहिर सी बात है राज्य को व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। अरस्तु का कहना है कि राज्य केवल एक संगठन या यूनियन ना होकर संगठनों का संगठन है, ठीक है, क्योंकि अन्य संगठन उतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा राज्य है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है जबकि ग्राम और परिवार आत्मनिर्भर संस्था नहीं है, अतः राज्य ग्राम और परिवार से भी ऊपर है, ठीक है। अरस्तु का राज्य सर्वोत्तम संभव राज्य है और सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य है, ठीक है, जबकि प्लेटो व्यवहारिक राज्य की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लेटो के राज्य को एक दार्शनिक राजा चलाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लेटो के राज्य को एक दार्शनिक राजा चलाता है जहां विधि और दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, एक अधिनायकवाद सिस्टम है, ठीक है, एक जहाँ एक ही व्यक्ति का शासन है, जो वो कह देगा वही कानून है, ठीक है, कानून और विधि वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो वो था वो एक आदर्श स्थिति थी। उसके लिए आपको एक राजा दार्शनिक ढूंढना होगा जिसमें पूरे तरीके से सभी पूरा ज्ञान हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसमें अज्ञान ना हो, तो ऐसा कोई राजा मिल पाना एक मुश्किल बात है। लेकिन जो अरस्तु का राज्य है वो एक सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य है, ऐसा राज्य हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो थे अरस्तु का राज्य का विचार, अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, दास प्रथा पर अरस्तु का क्या विचार था। तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य हैं, जिनमें अभी तर्क का विकास नहीं हुआ है, ठीक है, जिनमें नैतिक सद्गुण आदि का विकास नहीं हुआ, ठीक है। तो दास कौन है अरस्तु के अनुसार? वे व्यक्ति जो विवेक शून्य हैं। दास प्रथा के समर्थन में क्या कुछ उन्होंने तर्क दिए हैं, उन्हें उन पर विचार करते हैं। अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे, और इस प्रकार दास प्रथा प्राकृतिक है। उन्होंने ये प्रकृति का ही नियम बता दिया कि जो श्रेष्ठ होता है वो अधीनों पर अपने शासन करता है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। इस प्रकार दास प्रथा भी प्राकृतिक है। दासता ना केवल स्वाभाविक है परन ये आवश्यक भी है, ठीक है। और फिर अरस्तु इसे स्वाभाविक और आवश्यक बताते हुए तर्क देते हैं, और तर्क देता है कि स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि अरस्तु कहता है कि प्रकृति भी समानता नहीं करती, ठीक है, प्रकृति ने कभी किसी को समान नहीं बनाया, हर किसी में
मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, अलग अलग रहते हैं, क्षमताएं अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि दासता आवश्यक है, क्योंकि यदि स्वामी को दास की आवश्यकता है जिससे कि वह स्वतंत्र जीवन का आनंद उठा सके, तो दास को भी स्वामी की आवश्यकता है ताकि वह स्वामी की संगति में अपनी नैतिकता का विकास कर सके। और फिर अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आधुनिक जो दास प्रथा है वो अरस्तु की दास प्रथा से किस प्रकार भिन्न है। तो जो आपकी आधुनिक दास प्रथा है वो 18वीं-19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, ठीक है। अब तो दास प्रथा जो है बिल्कुल समाप्त है, लेकिन जो आधुनिक दास प्रथा की हम बात कर रहे हैं वो 18वीं-19वीं शताब्दी की अफ्रीका की दास प्रथा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें और जो अरस्तु की दास प्रथा थी उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो हम जानते हैं। तो आधुनिक दास प्रथा 18वीं-19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय, ठीक है, बर्बर व्यवहार किया जाता था, उन्हें जानवरों की तरह उनसे सुलूक किया जाता था, जो ये आधुनिक आपकी दास प्रथा थी। और दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। और लेकिन जो अरस्तु की दास प्रथा है वो आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। किस प्रकार? अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दास की श्रेणी में नहीं रखा कि जो युद्ध हार गए उन्हें दास बना लिया जाए, ऐसा नहीं है। इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह भी आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो दास है उसके घर में सब दास ही बनते जाएंगे, उन्होंने ऐसा भी नहीं माना। फिर अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्य में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में ही सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दासों का इस्तेमाल कारखानों में उत्पादन के लिए किया जा रहा है, नहीं, उन्होंने कहा कि दासों का इस्तेमाल केवल घरेलू कार्यों के लिए किया जाएगा, ठीक है। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक दास प्रथा है और अरस्तु की दास प्रथा है, अरस्तु की दास प्रथा ज्यादा मानवीय थी, ठीक है। अब हम देखते हैं अरस्तु का जो नागरिकता का विचार है, नागरिकता का सिद्धांत है, उसके बारे में। तो अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं, ठीक है, तथा अपना योगदान देते हैं। इसे अभी हम समझेंगे। अभी ये अरस्तु की एक डेफिनेशन है जो उन्होंने दी है नागरिकता की, कि वे व्यक्ति नागरिक है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं, ठीक है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकारों के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया, यानी कि नागरिक वो है जो सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करता है, योगदान करता है, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक नागरिकता है उसका मूल आधार अधिकार है, यानी कि जो हमारी जो नागरिकता है कि भाई हमारी इंडियन सिटीजनशिप है, भारत का नागरिक है, अमेरिकन सिटीजनशिप है, अमेरिका का नागरिक है, तो इसका मूल आधार है अधिकार, ठीक है। उस पर उन्हें अमेरिका में कुछ, हर देश के नागरिकों को अपने, हर देश के नागरिकों को उनका देश कुछ विशेष अधिकार देता है, ठीक है, जो विदेशियों को नहीं दिए जाते। तो आज का जो आधुनिक नागरिकता है उसका मूल आधार अधिकार है, और ये जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप भारत में निवास करते हो या भारत में आपका जन्म हुआ है तो आपको भारत के कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आपका अमेरिका में जन्म हुआ है, आप अमेरिका में निवास करते हो तो वहां के आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो अरस्तु की नागरिकता है वो जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती, ठीक है, कि आप वहाँ अगर राज्य में जन्म या निवास लिया है तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अरस्तु की जो नागरिकता है मुख्य बात उसमें यही है कि ये जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के अंदर विदेशी और दास भी निवास करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु किन किन के लिए नागरिकता निषेध करते हैं, कि भाई कौन कौन नागरिक नहीं हो सकता। तो महिलाएं नागरिक नहीं हो सकती, शिल्पी नागरिक नहीं हो सकते, ठीक है, बुढ़े और बच्चे नागरिक नहीं हो सकते, दास भी नागरिक नहीं हो सकते, और विदेशी तो नागरिक हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो कानून बनाता है और न्याय प्रशासन में भाग लेता है। तो ठीक है, अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कि जो इन्होंने बताया कि वे व्यक्ति नागरिक है, जो मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई, जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं, या फिर जो वह व्यक्ति नागरिक है जो कानून बनाता है और न्याय प्रशासन में भाग लेता है, यानी कि अगर हम अरस्तु के नजरिए से आज के समय में देखें तो जो भी हमारे संसद में MP बैठते हैं, अगर अरस्तु के नजरिए से सिर्फ वो ही नागरिक हैं, ठीक है, जितने भी संसद के अंदर बैठकर कानून बना रहे हैं और जो भी सरकार चला रहे हैं, सरकार में उनकी भागीदारी है, बस वो ही नागरिक हैं, ठीक है, बाकी कोई भी नागरिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये है, इसलिए है
असल में अरस्तु ने यूनान की परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार दिए थे। अरस्तु के दौर में यूनान की जनसंख्या बहुत कम थी, ठीक है, इसीलिए सभी नागरिक एक जगह पर इकट्ठा हो जाते थे, मिलकर कानून बनाते थे और न्याय करते थे, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित थी कि भाई जो सरकार में अपने कर्तव्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो ही नागरिक है। ठीक है, अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास था कि भाई जिसमें नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाता है वो नागरिक बनने योग्य है और वो राज्य का नागरिक है, क्योंकि वो अब कानून बनाने में भी मदद कर सकता है और न्याय करने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, जैसे और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे नाव को अच्छी तरह चलाने के लिए नाविक में विशेष गुण होने चाहिए, वैसे ही राज्य को चलाने के लिए भी नागरिकों में विशेष गुण होने चाहिए। ठीक है, तो ये था इनका नागरिकता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अरस्तु का क्रांति का विचार जो है। ठीक है, क्रांति के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी उनका अरस्तु के राजनीतिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो जो अरस्तु का क्रांति का विचार है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, अरस्तु का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो जानते हैं अरस्तु ने पॉलिटिक्स जो है उनकी पुस्तक उसमें विस्तार से उन कारणों का वर्णन किया है जिनके कारण क्रांति आती है और उसके बाद उतने ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसे रोकने का भी वर्णन किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। क्या है क्रांति, तो उन्होंने बताया कि शासन प्रणाली या फिर संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, इनके अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है, विषमता या समानता की आकांक्षा, यानी क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है और धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखने की। ठीक है, धनी वर्ग तो चाहता है कि ये विषमता बनी रहे, हम अमीर ही बने रहे और वो गरीब ही बने रहे, लेकिन गरीब वर्ग समान होने की इच्छा रखता है। तो ये जो समानता और विषमता का ये जो आकांक्षा है इससे ही ये क्रांति के मूल कारण है। ठीक है, इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों द्वारा ही होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त भी कई अन्य कारण होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। शासक जब ध्रष्ट हो जाता है और अत्यधिक लाभ की लालसा करता है, ठीक है, उसका लालच बढ़ जाता है जब भी क्रांति होने की संभावना हो जाती है। सम्मान की लालसा, इसके अंतर्गत क्या होता है, अयोग्य जो होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है और जो योग्य होते हैं उन्हें अपमानित किया जाता है। ठीक है, इससे भी क्रांति होने की संभावना होती है। शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों, ठीक है, और घृणा के कारण भी क्रांति होती है क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना भी क्रांति का कारण हो सकता है। तो क्रांति के इन सामान्य कारणों के अलावा उन्होंने क्रांति के कई विशिष्ट कारण भी बताए। अब हम बात करते हैं अरस्तु ने क्रांति को रोकने के क्या क्या उपाय बताए। तो पहला है कि शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, समाज में विषमता का अभाव हो, यानी कि विषमता ना हो समाज में, एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है विषमताएं बढ़ेंगी, समानताएं कम होंगी, जिससे फिर आपका गरीब वर्ग क्रांति करने के लिए आतुर हो जाएगा। फिर है सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ना हड़पी जाए, और फिर जो वर्तमान में भी आप देख सकते हो वो अरस्तु ने उसी समय अपने समय में बता दिया था क्रांति रोकने का जो इम्पोर्टेंट उपाय है कि देशभक्ति को सदैव सर्वोच्च भावना बनाए रखना और जन सामान्य को देश के प्रति उत्तेजित करके रखना। तो ये तो आप वर्तमान में भी देखते हो कि कुछ भी अगर देश में महंगाई या बेरोजगारी या कोई भी ऐसा संकट चलता है तो हमारे मुद्दे अक्सर फिर ये हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ या चीन की तरफ कि भाई पाकिस्तान के साथ ये होगा, है ना, इस तरीके से फिर देशभक्ति की भावना जगाई जाती है और हमें देश के प्रति उत्तेजित करके रखा जाता है। तो आप इन चीजों को आम लोगों की तरह मत देखिए, अगर आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं तो आपका नजरिया उसी तरीके से होना चाहिए। तो अरस्तु ने उसी समय पर कह दिया था अगर आप अपने राज्य में क्रांति को रोकना चाहते हैं तो देशभक्ति को सदैव सर्वोच्च भावना बनाए रखना, ठीक है, सर्वोच्च भावना बना के रखना है देशभक्ति को और जन सामान्य को उत्तेजित करके रखना है देश के प्रति, ठीक है, तो इससे क्रांति की संभावनाएं कम हो जाती हैं, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों से हट जाता है। ठीक है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को अपनाना। ठीक है, बचपन से ही बच्चों में इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि वो अपने राज्य को मातृभूमि माने, उसके लिए कार्य करें, ठीक है, और जल्दी से उसका विरोध ना करें किसी भी बात का। तो अगर शिक्षा प्रणाली शासन के अनुरूप होगी तो क्रांति की होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था अरस्तु का क्रांति का विचार। तो चलिए अब हम देखते हैं अरस्तु का शासन प्रणाली का वर्गीकरण क्या है। तो अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है। ठीक है,
इन छह प्रकार की शासन प्रणालियों में तीन शासन प्रणाली है शुद्ध रूप, ठीक है, और तीन है इनका बिगड़ा हुआ रूप या भ्रष्ट रूप, ठीक है। तो शासन प्रणाली का शुद्ध रूप ये और शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप हम इस तरफ लिखते हैं। तो मैं शासन प्रणाली का शुद्ध रूप और फिर तुरंत बाद उसका भ्रष्ट रूप बताता हूं। तो शासन प्रणाली का शुद्ध रूप है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है। और इसका भ्रष्ट रूप क्या है? तानाशाही, ठीक है, निरंकुशता जब होती है, कि जब एक व्यक्ति अपनी फिर अनियंत्रित हो जाता है तो वो तानाशाही हो जाती है, ठीक है। तो राजतंत्र का भ्रष्ट रूप है या बिगड़ा हुआ रूप है तानाशाही। फिर शासन प्रणाली का दूसरा शुद्ध रूप में ही दूसरी प्रणाली है शासन प्रणाली कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्या होता है? कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ लोग मिलकर शासन करते हैं। और इसका भ्रष्ट रूप क्या है? गुट तंत्र, जिसे धनिक तंत्र भी कह सकते हैं। और शासन प्रणाली के शुद्ध रूप में ही इसका तीसरा रूप है संवैधानिक शासन तंत्र, जिसे बहुमत का शासन कहते हैं, ठीक है। और इसका बिगड़ा हुआ रूप है लोकतंत्र, जब सबको ही उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, सभी लोगों को, तो वो उसे बिगड़ा हुआ रूप बताते हैं, भ्रष्ट रूप बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छह शासन प्रणाली हो जाती हैं, तीन आपका शुद्ध शासन प्रणाली के शुद्ध रूप है और तीन शासन प्रणाली के भ्रष्ट रूप है। राजतंत्र का बिगड़ा हुआ रूप है निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप है गुट तंत्र, और संवैधानिक शासन तंत्र या बहुमत के शासन का बिगड़ा हुआ रूप है लोकतंत्र। फिर अब बात करते हैं उन्होंने सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली कौन सी बताई। तो अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। किसका? पॉलिटी शब्द का, ठीक है। और पॉलिटी के माध्यम से उन्होंने कहा कि पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है, क्योंकि यह दो प्रकार की शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होता है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी जो है वो लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है, यानी कि पॉलिटी जो है वो आपका मध्यम मार्ग है, वो ना तो पूरी तरीके से लोकतंत्र है ना पूरी तरीके से गुटतंत्र है, वो इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है, ठीक है। और इस प्रकार पॉलिटी में संख्या भी है, यानी कि लोकतंत्र लोग भी है, और विवेक भी है, ठीक है, यानी कि विवेकशील व्यक्ति भी शामिल है और संख्या बल है। अतः सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ साथ गरीब लोग भी शामिल हों, ठीक है। और फिर वो कहते हैं वह सरकार अधिक प्रभावी और स्थायी होती है जो दीर्घकालीन हित में काम करती है, ठीक है, जो दीर्घकाल तक हित में काम करती है जनता के, वो सरकार अधिक प्रभावी और स्थायी होती है। तो ये इनका था शासन प्रणालियों का वर्गीकरण और जो इनकी सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली यानी पॉलिटी थी उसके बारे में। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी से संबंधित ऐसे ही फ्री लेक्चर लाते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।